हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मेरे पास एक लैपटॉप आया है आसूस का। और ये जो लैपटॉप है, ये है कोर i3। और इस लैपटॉप में जो है कि हमारे कस्टमर लेके आए हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम ये है कि ये पावर, जैसे कि अभी आप यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग लगाने के बाद हमारा जहाँ पे चार्जिंग लाइट है वो ऑन हो जाना चाहिए। बट इनके यहाँ पे क्या है कि देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जिंग लाइट है यहाँ पे ऑन हो चुकी है, और कभी कभी ये लाइट ऑन नहीं होती है। तो कस्टमर का ये कहना है कि हमारे यहाँ पे हमने लगाया है, बट हमारे यहाँ पे लैपटॉप जो है कि चार्जर से ऑन नहीं हो रहा है और बैटरी से भी नहीं ऑन हो रहा है, और हालांकि चार्जर यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का यहाँ पे ये प्रॉब्लम था कस्टमर के पास। मैंने लैपटॉप को ओपन किया, और लैपटॉप को ओपन करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो वीडियो भी बने रहिएगा, वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार का। आपको मैंने प्रॉब्लम बता दिया कि यहाँ पे चार्जर जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है और बैटरी से भी लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, ये सब सारी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वीडियो भी बने रहिएगा, वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कैसे इसको ठीक करना है। सो हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं वो उसका वीडियो मेरे चैनल पे आते रहता है। तो अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो आपके काम की हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। सो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे इसको पावर लगा देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इसको यहाँ पे पावर लगा दिया है, और पावर लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग की लाइट यहाँ पे ऑन हो रही है। और फिर हम लोग यहाँ से इसको ऑन करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लैपटॉप यहाँ पे ऑन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप पूरा यहाँ प्रॉपर यहाँ पे ऑन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे इसको इंटर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा लैपटॉप यहाँ पे ओपन हो चुका है, और लैपटॉप में कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका जो प्रॉब्लम है उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और ये प्रॉब्लम कहाँ से है। चलिए मैं उस प्रॉब्लम के बारे में आप बात करता हूँ। अगर आपके लैपटॉप में भी इसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी से भी ऑन नहीं हो रहा है, चार्जर नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये सब सारी प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप में, तो आपको करना क्या है। चलिए लैपटॉप को मैंने ऑन कर लिया है, और ऑन करने के बाद हम लोग चलते हैं लैपटॉप को, इसको हम लोग शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसका जो सलूशन है उसको आपको कैसे करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लैपटॉप को यहाँ पे हम लोग ऑफ कर लेते हैं। तो लैपटॉप ऑफ होने के बाद ही हम लोग यहाँ पे जो है कि आपको मैं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है ये हार्डवेयर से है, तो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट वगैरह करके या फिर और भी कोई चीज़ें करके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये आपका ठीक नहीं होने वाला है। तो हम लोग चार्जर को यहाँ से रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद मैंने ऑलरेडी इसको ओपन कर लिया है। इसका जो कवर है कुछ ये ऐसे, ये साइड से ऐसे ओपन होता है, मदरबोर्ड इसके नीचे वाले पैनल में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि मदरबोर्ड के अंदर एक जो है कि इंटरनल बैटरी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी जो बैटरी होती है लैपटॉप की, तो ये बैटरी जो है इनबिल्ट है, तो इसको बैटरी को हम लोग यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बैटरी आपको जो है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी जो है कि फूगी हुई है, यानी कि बैटरी जो है फूल चुकी है। और भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी फूलने की वजह से यहाँ पे जो है कि ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आपके लैपटॉप में भी यही प्रॉब्लम है और कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में आ रहा है, तो सबसे पहले आप आपका जो है कि लैपटॉप की जो बैटरी है उसको चेक करिए। अगर बैटरी में कुछ इस प्रकार का आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, बैटरी यहाँ पे अगर आपकी फूली हुई आ रही है, और फूलने का मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है, तो बैटरी को आपको रिप्लेस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप कोई चार्जर, कोई बैटरी वगैरह लेते हैं और कुछ इस प्रकार की बैटरी अगर आपकी वारंटी में है और बैटरी कुछ इस प्रकार की फूल जाए या ऐसी दिक्कत आ जाए, तो बैटरी आपको यहाँ पे रिप्लेस करके नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर बैटरी ऐसा फूल जाता है तो आपका जो है कि वारंटी क्लेम नहीं हो पाएगा। अब इसका जो भी रीजन है वो मैं बता नहीं पाऊंगा, ये अदरवाइज कंपनी कहती है कि बैटरी अगर फूल जाती है तो फूलने की वजह से हमारे यहाँ पे कोई जो है कि इसका क्लेम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसका जो बैटरी है, बैटरी आपको निकाल लेना है। बैटरी निकालने के बाद आपको यहाँ पे चार्जर को कनेक्ट कर लेना है। तो चार्जर को आप कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका जो चार्जिंग वाली लाइट है उस पर कुछ ये रेड कलर की लाइट यहाँ पे जलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपका रेड जल रहा है तो या तो बैटरी इसमें है नहीं, या तो बैटरी जो है कि यहाँ पे जो है कि
डाउन हो चुकी है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे चार्जर लगाया, लैपटॉप को ऑन किया, हमारा लैपटॉप ऑन हो रहा है और जितनी बार मैं ऑन कर रहा हूँ उतनी बार ये हो रहा है, बट बैटरी से ये जो है कि प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको सबसे पहले ये बैटरी चेक करना है और बैटरी चेक करने के बाद ही आपको ये करना है कि लैपटॉप को जो है अदर सेक्शन में और अदर पार्ट उसका जो है कि खराब हो सकता है। सो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो करिएगा एक लाइक।